दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं जो डॉक्यूमेंट या फिर विंडो हमारे जो इवेंट होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, और यहाँ पे जो एक जो रेडी का हम अब तक देखते आ रहे जो रेडी इवेंट वो किस तरीके से काम करता है, इसका पूरा जो प्रोसेस है इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं डॉक्यूमेंट या फिर विंडो इवेंट के बारे में। तो जैसा कि अब तक जो हमने देखा कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है ये पूरा फुल्ली तरीके से लोड होने के बाद, यानी कि अगर हमारा ब्राउजर है अगर ये पूरा अपना डेटा लोड कर देता है उसके बाद से हम आगे कोई भी मैनिपुलेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपको ये पता करना है कि हमारा डॉक्यूमेंट पूरी तरीके से लोड हो गया है कि नहीं। अगर वो लोड पूरी तरीके से नहीं होता है तो आप वहाँ पे एक मैसेज शो करा सकते हैं कि वो हमारा जो डॉक्यूमेंट है यानी कि जो हमारा HTML पूरा पेज है वो लोड नहीं हुआ है। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जो हमारा विंडो इवेंट है यानी कि जो डॉक्यूमेंट का इवेंट है ये किस तरीके से काम करता है हमारे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। अगर मान लीजिए कोई आपने टेस्ट पोर्टल बनाया है तो वो विंडो लोड होने से पहले रिसाइज कर दिया या फिर कुछ ऐसा उस पर ब्राउजर की जो साइज है उसको छोटा कर दिया ताकि वो चीटिंग कर सके या ऐसा कुछ कर सके, तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट और विंडो जो इवेंट होते हैं ये काम में आते हैं। तो इसके अंदर एक एक जो इवेंट है आगे आपको देखने को मिलेगा ये किस तरीके से ये सारे इवेंट काम करते हैं। तो फिलहाल अभी इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि रेडी जो हमारा इवेंट है यानी कि जो इवेंट ये है ये हमारा कब फायर होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, ये जो पुराना हमने यहाँ पे सारा कुछ किया हुआ है इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ और जो हमने स्टाइल इसको किया हुआ है इसको भी डिलीट कर देते हैं। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये रेडी जो इवेंट है ये क्या है। तो रेडी इवेंट बेसिकली है क्या कि जब भी आप कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए ये हमारा पेज है, अगर ये हमारा ब्राउजर है तो जैसे हम रिफ्रेश करते हैं या फिर कोई भी लिंक खोलते हैं तो जब हमारा पूरा लिंक यहाँ पे ब्राउजर पे ओपन हो जाता है यानी कि फुल्ली लोडेड हो जाता है, तब वहाँ पे रेडी जो इवेंट है हमारी jQuery की या फिर JavaScript की वो हमारी जो इवेंट है तब कॉल होती है यानी कि तब वो फायर होती है। तो एक बार और आप सुन लीजिए कि जब आपका ये ब्राउजर पूरा कंटेंट लोड कर देता है तब वो हमारी जो रेडी इवेंट है jQuery की वो कॉल होती है, फिर हम आगे कोई भी मेल ऑपरेशन और कुछ भी ऐसा ऑपरेशन अगर हमें करना चाहते हैं या HTML जो कंटेंट हमारा यहाँ पे शो हो रहा है उसके ऊपर तो हम वहाँ से अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं जो कि हमारा क्लाइंट साइड पे रहेगा यानी कि सर्वर की वहाँ से लोड खत्म हो जाएगी। बाकी अगर कुछ ऐसे हमने कॉन्फ़िगरेशन किया कि कोई चीज़ हम क्लिक करें तो सर्वर पर रिक्वेस्ट है तो वो चीज़ें भी हम कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ खैर तो हम आगे की सीरीज में सब कुछ देखेंगे, तो आप इसके लिए वीडियो मेरे चैनल के साथ जरूर बने रहिए ताकि एक एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जो आपने कहीं पे भी नहीं देखा होगा। तो जो रेडी इवेंट है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि कैसे हम पता करें कि हमारा जो कंटेंट है ये पूरा लोड हो गया है कि नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा जो ये बॉडी टैग है इसके अंदर एक हम पैराग्राफ ले लेते हैं जिससे जो स्टार्टिंग में इंडिकेशन है वो हमारा शो हो कि अभी जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो फुल्ली लोडेड नहीं है, यानी कि हमारा जो HTML कंटेंट है वो अभी पूरी तरीके से लोड नहीं है। तो इसको हम मैसेज आएंगे नॉट फुल्ली लोडेड, ओके। तो सिर्फ हम अपने कंफर्मेशन के लिए चेक कर रहे हैं कि हमारा जो रेडी इवेंट है ये कब फायर होता है। तो अभी सिंपल एक हमने पैराग्राफ लिया जो HTML का हम लेते हैं, तो अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो अभी आपको ये चीज देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही हमारा यहाँ पे रेडी इवेंट कॉल होता है यानी कि पूरा पेज हमारा लोड हो गया तो इसके अंदर हमने कुछ लिखा नहीं है, तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा कंटेंट जो है ये या फिर जो ब्राउजर का जो भी हमारा कंटेंट है HTML है वो पूरी तरीके से लोड हो गया है कि नहीं। तो इस चीज़ को हमें चेक करने के लिए सिंपल मैं जो पैराग्राफ है उसको मैं पिक करूंगा और उसी के अंदर की वैल्यू को हम चेंज करेंगे, यानी कि अभी लिखा हुआ कि नॉट फुली लोडेड, लेकिन जैसे ही ये पूरा लोड हो जाएगा हमारा ब्राउजर पूरा लोड हो जाएगा तब हम वहाँ पे मैसेज करेंगे, मैसेज वहाँ पे थ्रो करेंगे जिससे पता लगे कि अब हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो लोड हो गया है, आप इसके अंदर मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो पैराग्राफ है ये अभी ये जो पैराग्राफ आप देख रहे हैं इसके अंदर अभी फिलहाल के लिए लिखा हुआ है नॉट फुली लोडेड, तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे चेंज करेंगे। तो ये जो टेक्स्ट इवेंट है यही क्या करता है कि जो पैराग्राफ की या फिर कोई भी अगर आपने एलिमेंट यहाँ पे पिक किया है तो उसकी वैल्यू को ये चेंज करने के काम में आता है, या फिर आप उसके टेक्स्ट को भी फेच कर सकते हैं। तो हम इसके अंदर वैल्यू डालने वाले हैं, तो हम इसके अंदर यहाँ पे एज अ पैरामीटर अपनी वैल्यू को हम पास कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट फुल्ली लोडेड यू कैन नाउ मैनिपुलेट, ठीक है। यही हम यहाँ पे मैसेज शो करवाएंगे और देखिए अभी ये हमारा किस तरीके से काम करता है। तो इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं ये हमारा आ गया फुल्ली लोडेड, स्पेलिंग इसकी मिस्टेक होगी यहाँ पे,
लोडेड, तो हमारा जो शुरू में था पहले आ रहा था कि नॉट लोडेड, लेकिन अब देखिए जैसे ही हमारा यहाँ पे ब्राउजर रिफ्रेश हो रहा है, पूरा डॉक्यूमेंट जब लोड हो जा रहा है तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि डॉक्यूमेंट फुली लोडेड, यानी कि इससे ये पता चलता है कि ये जो हमारा जेक्वेरी जो इवेंट है ये हमारा यहाँ पे कॉल हो गया। और इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो जैसा मैंने आपको पहले या दूसरे पार्ट में बताया कि कैसे हम डिबगिंग करते हैं कि हमारा यहाँ पे कोड किस तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे भी हमें चेक करना है कि हमारा यहाँ पे जो पूरा एग्जीक्यूशन है ये हमारा यहाँ पे आता है कि नहीं। जैसे कि अगर मान लीजिए अगर रिफ्रेश करते हैं हम ये चेक करना चाहते हैं कि हमारा जो पूरा काम जो हो रहा है किस किस प्रोसेस से हो रहा है, तो उसको हम कैसे चेक करेंगे, तो हम उस जगह पे लगाते हैं ये डिबगर जहाँ पे हमें पता करना होता है कि यहाँ पे ये काम कैसे चल रहा है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप चेक करने के लिए। तो हम यहाँ पे डिबगर लगाए और सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है और आपको इंस्पेक्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन देखने को मिलेगा। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं पैराग्राफ के अंदर ये चेंज हो चुका है, यहाँ पे पी लिखा हुआ था तो पैराग्राफ के अंदर पहले आपने यहाँ पे लिखा हुआ था नॉट फुली लोडेड, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर वो वैल्यू आ गई है जो हमने स्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ था, यानी कि इसके अंदर आप ये जो लिखे हैं ये वैल्यू हमारी यहाँ पे आ गई है। अब देखिए जब हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारा डिबगर जो है वो वहाँ पे आ गया, यानी कि जहाँ तक उसकी एग्जीक्यूशन पहुँची थी वहाँ पे पहुँच गया। जब आप फंक्शन की और F10 प्रेस करेंगे या फिर कल्ला अगर आप F10 प्रेस करेंगे तो ये नए यहाँ पे एग्जीक्यूशन पे आपको देखने को मिलेगा, या फिर आप यहाँ से भी क्लिक करके इसको नेक्स्ट नेक्स्ट पे लेके जा सकते हैं। तो देखिए जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे पहले लिखा हुआ आ रहा है नॉट फुली लोडेड, लेकिन अब ये डॉक्यूमेंट डॉट रेडी का अब ये लाइन चलेगी, यानी कि इसके अंदर ये सारी चीजें रिप्लेस हो जाएंगी। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये चीजें रिप्लेस हो गई हैं। तो इस तरीके से हमारा जो HTML का जो जो jQuery का यहाँ पे रेडी इवेंट है इस तरीके से काम कर सकता है। और आप अगर आपको इसको डिबग करना है तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप इंस्पेक्ट करके इस चीज को कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो डॉक्यूमेंट या फिर विंडोज इवेंट है यानी कि रेडी जो इवेंट है ये किस तरीके से काम करता है हमारे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।